और नागालैंड की हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल तेज है। कोहिमा में स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज फायरिंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव है। इधर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही शोर शराबा शुरू हो गया। विपक्ष ने इस मसले पर बहस कराने की मांग की और आज गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर बयान भी देने वाले हैं। बता दें आपको यहाँ ये भी कि नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बल की फायरिंग में 15 लोगों की मौत से जबरदस्त आक्रोश है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। तो ये तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सदन में भी हंगामा हुआ, वहीं सड़कों पर भी लोग अब गुस्से में नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का भी प्रदर्शन इसलिए जारी है, वो चाहते हैं कि नागालैंड के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन गृहमंत्री आज खुद सदन में इसकी जानकारी देने वाले हैं, अपना बयान रखने वाले हैं। सर, नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सर सबसे बड़े मुद्दा आज नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की इसमें मौत हुई है। जवाब नहीं है, सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल डिटेल्ड स्टेटमेंट। आप सुधीर जी क्या बोल रहे थे? अब जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम मोन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहां पे वो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जहां पे सिविलियन डेथ्स हुए हैं एक बॉट्स्ड अप आर्मी ऑपरेशन की वजह से। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहां पे रास्ते पे मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो सिविलियन डेथ्स हुए हैं, उन 14 सिविलियंस की फ्यूनरल सेरेमनी भी चल रही है और चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड भी उस सेरेमनी में मौजूद है। दो दिन तक यहाँ पे बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन था, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाहर मौजूद हैं और ऐसे रस्ते पे आए हुए हैं अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ श्रेया चार्य जी आज तक।